और कांग्रेस का कार्यकाल देखकर और जिस तरह से इनको ठगा गया, छला गया और तरह तरह के लोभन दिया गया और यहाँ के सैकड़ों महिलाओं के साथ वादे किए गए। विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह ने जयरामपुर, भैंस मोड़, आधा चक्की आदि क्षेत्रों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। जगह जगह रागिनी सिंह का जोरदार स्वागत महिलाओं द्वारा किया गया। जनसंपर्क अभियान के दौरान जयरामपुर सेठ कोठी में मासस नेत्री पार्वती देवी, सैकड़ों महिलाओं के साथ रागिनी सिंह की मौजूदगी भाजपा का दामन थामा। रागिनी सिंह ने सभी को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया गया, झूठे वादे कर भोली भाली जनता को सिर्फ छला गया। झरिया, जयरामपुर, अलगडीहा, लोदना सहित जहां भी जा रही हूं, लोग यही कह रहे हैं कि पिछले चुनाव के समय जो दिखी अभी तक नजर नहीं आई है। आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। रागिनी सिंह ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को गिनाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हा देकर प्रदूषण से मुक्त कराया और समय का भी बचत कराया। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज, जन वितरण दुकान के तहत मिलने वाली राशन हो या प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे दर्जनों योजनाएं आम लोगों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार चलाई जा रही है, जिसका लाभ क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। रागिनी सिंह ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि देवतुल्य झरिया की जनता और कार्यकर्ता के बल पर ही भाजपा का कमल खिलेगा। के पर कांग्रेस ज्वाइन की थी पिछले चुनाव में और कांग्रेस का कार्यकाल देखकर और जिस तरह से इनको ठगा गया, छला गया और तरह तरह के लोभन दिया गया और यहाँ के सैकड़ों महिलाओं के साथ वादे किए गए थे और इस तरह से छला गया था कि यहाँ छलने के साथ साथ पूरे क्षेत्र में हम घूम के देखे, एक जगह नहीं पूरे क्षेत्र में, यहाँ के तो दूर की बात है, पूरे क्षेत्र की जनता बोल रही है कि पूरे लोदना है, जयरामपुर है, कहीं दोबारा लोग यहाँ के नेता का चेहरा नहीं दोबारा लोग देखे। जीनागरा में कोई विकास नाम का चीज़ नहीं हुआ है, लोग त्राईमाम कर रहे हैं। तो यहाँ आज यहाँ हमारी मातृशक्ति, सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी पर आस्था जताई है। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। अपने बड़ी बहन पार्वती जी को दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी पर आस्था जताया है, सिंह मिशन परिवार पर आस्था जताया है, मेरे पे आस्था जताया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ।